दुनिया का सबसे बदसूरत वो इंसान जिसे अल्लाह कयामत के दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में जिंदा करेगा। यमन का वो शख्स जो कि गंजा था, कुबड़ा था, टेढ़े पांव वाला था, निहायत ही बदसूरत दुबला पतला था, ये शख्स हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझे बताए कि अल्लाह ने मुझ पर भी कोई चीज फर्ज की है। तो अल्लाह के नबी ने उसके फर्ज के बारे में बता दिया। तो कहने लगा कि अल्लाह की कसम, इस फर्ज में मैं कोई ज्यादती नहीं करूंगा, यानी कोई नफली इबादत नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, वो क्यों? तो कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे कितना बदसूरत बनाया है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। ये कहकर जाने लगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर वही भेजी है कि कयामत के दिन अल्लाह तुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में जिंदा करेगा, तो अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, यकीनन अल्लाह तुम्हें बेहतरीन अता करेगा। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।